हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभी भारत के सबसे गरीब भिखमंगा और सबसे जो है चोर चमार राज्य बिहार में खड़ा हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली देखा है, मैं अभी बिहार में रहता हूँ और मैं अभी बिहार में देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली किसी के दरवाजे से लगभग 3-4 गाय ऐसे चोरी हो गई है बिना किसी के जानकारी के। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं अभी बिहार के एक सबसे गरीब चोर चमार राज्य बिहार में खड़ा हूँ। और यहाँ पे जनरली मुद्दा बहुत सारे होते हैं, जैसे बेरोजगारी, भूखमरी, शराब, दारू, नशा वगैरह, ऐसे बहुत चीज़ें होती है। तो आज का जो हम मुद्दा ले रहे हैं, आज का जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी। तो हम इसके बारे में कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर ऐसा इतना प्रॉब्लम क्यों है यहाँ पे, क्यों ऐसे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं जनरली यहाँ पे कुछ दिनों से रह रहा हूँ और मैं यही चीज नोटिस कर रहा हूँ कि जिसको देखो वही बेरोजगार है, वही काम की तलाश में इधर उधर जा रहे हैं। मेरे से भी खुद कितने लोगों ने पूछा था कि कोई जॉब हो तो बताओ, कोई ऐसा हो तो बताओ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कुछ लोगों से जो कि वहाँ पे बैठे हैं, पीछे मेरे को दिख रहे हैं। तो आइए चलिए उनसे बात करके देखते हैं। तो दोस्तों हम जो है इनसे तो हम मैं क्या ही बात करूं, ये तो फ्री फायर में लगे हुए हैं, ये है हमारे देश के होनहार छात्र। तो मैं इनसे बात करना चाहता हूं, ये थोड़े से फ़ोन में थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे। तो मैं भैया एक्सक्यूज़ मी मैं आपसे पूछना चाहता था बेरोजगारी के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादातर सुन रहा हूं कि बिहार में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं भैया, अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आप ऐसा कर क्या रहे हैं? नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। क्यों, आप कुछ क्यों नहीं बता सकते भला? भैया अभी हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन ये क्या होता है? वो तो डिप्रेशन होता है क्या? जी जी वही वही जो आप समझे। आर यू कॉमेडी मी? तो आप कुछ क्यों नहीं बताना चाहते हैं? हम कब से हम पूछ रहे हैं, आप ही से पूछ रहे हैं, जरा आप बताइए। आप मेरे को यहाँ पे सबसे ज्यादा होनहार लग रहे हैं, सबसे ज्यादा होशियार आप ही हैं। नहीं भैया अभी हम नहीं बता सकते हैं। अरे मर्दे तो काहे नहीं बता सकते, ये तो हमको बताइए। अरे एक बार बोले ना नहीं बता सकते हैं, क्या बार गांड में घुसे पड़े हैं, नहीं बताएंगे, जाइए। अरे ऐसा थोड़े ना होता है यार, कोई आपसे पूछ रहा है, इतने प्यार और इज्जत के साथ पूछ रहा है, तो आपको भी उसी तरीके से सम्मान से बात करना चाहिए। आप ऐसे बात कर रहे हैं, पूछिए ना, ये है ना बगल में, पूछिए इनसे। हाँ इनसे भी पूछेंगे, लेकिन आप इतना खिसिया कह रहे हैं, आपको इतना गाढ़ क्या चल रहा है, जरा बताइए हमको। हम आपसे इतने प्यार मोहब्बत इज्जत से पूछ रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, तो आप इतने खिसिया कह रहे हैं? नहीं मानेंगे, गजब बेइज्जती है। तो आप कुछ नहीं बताएंगे? जी नहीं, आपसे इतना उम्मीद करके आए थे, आप सबसे ज़्यादा समझदार लग रहे हैं, आप ऐसे बतिया रहे हैं जैसे कि मान लो आप ही प्रधानमंत्री हैं। अरे तो नीतीश कुमार से पूछिए ना, वो कायला मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उनसे जाके पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? कैसे दोगला लोग हैं यार, चलिए इनसे बात नहीं करते। हम आपसे जानना चाहते थे कि आप इनके दोस्त वगैरह तो लग रहे हैं, लेकिन देखिए ये कितने लाचांडे, आप कितने अच्छे सभ्य और संस्कारी दिख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता था जो बिहार के बेरोजगारी के बारे में, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या मत खुलवाए मुँह, बहुत कहूँगा तो दिन रात गुजर जाएगा लेकिन बात ख़त्म नहीं होगी बेरोजगारी की। हाँ क्योंकि मैं भी यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ, लोगों के दिल में बातें तो बहुत सारी है, लेकिन उनको कहने के लिए कोई माध्यम, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो आप चाहे तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको सुनने के लिए तत्पर हैं। क्या बताऊँ मैं आपको बेरोजगारी का, सब लोग तो बाहर जा रहे हैं कमाने, बिहार में कोई रह नहीं रहा है। आजकल एक युवा भी ऐसा नहीं है, 16-16 साल के बच्चे भी आजकल पढ़ाई लिखाई कुछ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और सब तो पढ़ ही रहे हैं। और आप क्या, आपको क्या बताया, अभी ये बगल में ही देख लो आप ये। हाँ मैं भी देख ही रहा हूँ कि ये पढ़ाई लिखाई करने की जगह देखो वो फ्री फायर में लगा हुआ है ससुरा, उसको थोड़ा सा भी फ्यूचर को लेकर टेंशन ही नहीं है। अरे वो क्या समझेगा, उस बेटी चूत को तो पता भी नहीं है उसका पापा कहाँ से गांड मरा के आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या करवा रहा है वो, उसको तो कुछ पता नहीं है। और बैठ के खाली यहाँ पे भाषणबाजी करना है। मैं तो खैर देखो आपको विश्वास नहीं होगा, मैं आया हूँ पढ़ने के लिए, कॉपी में अभी रख के आया हूँ। आप तो मेरे को सब दिख ही रहे हो, कितने अच्छे स्टूडेंट लग रहे हो, आपकी पर्सनालिटी भी कितनी अच्छी दिख रही है। लेकिन ये लो भोंसड़ी वाले लोग यहीं पे रहते हैं दिन भर, यही गांजा सिगरेट, ये देखो आप सही है आप देखा पी के अभी दो पौवे मार के आए हैं साले लोग, कमीने लोग, ये लोग देश का यूथ है, नया वाला यंगस्टर है, जवान छोकरा दिख रहा है, ये तो छोकरा है, 17 साल का बच्चा है ये, लेकिन अभी इसको तो पीना है ना, क्या कर सकते हैं, घर वाले कहाँ से ला रहे हैं इसको पैसा, ये पैसा लेके पी लेगा, पता है क्या करता है, 2 दिन कमाएगा 4 दिन उड़ाएगा। लेकिन इसकी तो पढ़ाई करने की उम्र है, आप कैसे कह रहे हो ये दारू वारू पीता है? अब देख लो आप उठा के ऐसे देखो, ये देख रहे हो आप, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो भोसड़ी वाला, अभी तुम कहा कि नहीं बोलेंगे कुछ भी,
अभी अभी तो तुम भी कहा, अभी तो तुम भी कहा कि हम नहीं बोलेंगे। हट साला, मीडिया के दलाल साला, सत्ता के दलाल साला, हम तुमको सत्ता के साला बात नहीं करेगा। तेरा माइक छोड़ो बेटी जो, हम तुमको सत्ता का दलाल लगते हैं। नीतीश बाबू जिताए हो, जाओ उसके बाद पूछो। हम जितना है कि तुम्हारे तुम्हारे मम्मी पापा वोट दे, जाओ उनसे पूछो, जाओ हमसे क्या पूछ रहे हो, हम वोट दे रहे हैं। हम इकरा माइक छोड़ो, मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं। बैठ चुपचाप, सवाल पूछ रहे हैं तेरे से, बैठ अभी, बैठ। इतने प्यार और इज्जत से पूछ रहे हैं, भसक, बैठने दे मेरे को भी। हाँ बैठो बैठो, आओ तुम भी बैठो, तुम भी घुस जाओ इसी में, देख ले। हाँ बोलो साला, सब सब इसी को पकड़ा है, बेरोजगारी का सारा जिम्मेदारी यही लेके नहीं जाओगे, नेतवा से नहीं पूछोगे, उससे काय पूछोगे, उससे काय, अपना गांड भर रहा है, गांड भर रहा है। तुम देखे थे? हाँ देखे, तभी तो बोल रहे हैं। वो सब छोड़ो, वो बात की बात है, हमको सिर्फ ये जानना है कि हमारे बिहार में बेरोजगारी इतना ज्यादा क्यों है, क्यों है? सुनिए, बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि रोजगार नहीं है, सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है, ठीक है, और ऊपर से गरीबी के कारण बच्चा 17-18 साल का हो रहा है तो माँ बाप सोच रहे हैं कि अब कमा के हमको दे देगा, अब 10-15 हज़ार के वो सैलरी के लिए वो बच्चे को बाहर हम भेज दे रहे हैं। हाँ जी, ऐसा हो रहा है क्या? एकदम सही हो रहा है, एकदम सही बोल रहे हैं। और 10-15 हज़ार की सैलरी के लिए बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं, अब इसमें आपको क्या बताएं? और फिर एक तो कम उम्र में उनकी शादी भी कर दी जा रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो क्या लोगों की मानसिकता क्या है? लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत है? जी, लोगों में शिक्षा ही नहीं है तो वो क्या समझेंगे वो। लेकिन बिहार तो हमेशा फेमस रहते हैं कि यहाँ से ज्यादातर IPS वगैरह जो निकलते रहते, IAS बनते रहते हैं बिहार से। जी बनते हैं, जिनको जिज्ञासा होती है वो पढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं तो निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? कहने का क्या मतलब है, आजकल तो लोग शिक्षा पे ध्यान दे नहीं रहे हैं और सब लोग शादी वादी के फेरा में रह रहे हैं, और मतलब बच्चों का ज्यादातर शादी करवा देते हैं कम उम्र में ही शादी। हाँ एकदम कम उम्र में। अब आप इसी को ले लीजिए, ये जो बगल में है वो, उसका अभी नहीं तो अभी एज कितना होगा, 18-19 हुआ होगा, शादी भी हो चुका है। हाँ भाई, चलो और वक्त चले, वक्त नहीं ना ऐसे। साले इतना पढ़ा लिखा लड़का होकर ऐसी गलती कर देता है, हैं? तीन को लड़का भी है इसका। हाँ हाँ, दो को लड़का। तो अपने साथ कहीं बैठा है? भाग साले, भाग यहाँ से। दो को लड़का। कैसे कैसे लोग यहाँ अगल बगल बैठ रहे थे, बता देते नहीं हुआ, ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना हो रहा है। क्या कर सकते हैं अब, मतलब उसकी अभी अभी रिसेंटली शादी हुई है और इतनी जल्दी 3-4 बच्चे भी। 2 साल में 2 बच्चे। और करता क्या है? वही तो फ्री फायर खेल रहा था अभी, देखे नहीं आप? कुछ नहीं करता, बस माँ बाप का टुकड़े पर पड़ रहा है। हाँ जी, और तुम उसके साथ बैठा हो? जी बैठा था, तब हम क्या करें? बैठा था तो काय कर, उसको समाज से बहिष्कार कर दो भाई, ऐसे लोगों। अरे क्या कर सकते हैं समाज में हमारे। हाँ अरे भैया, उसमें उसकी क्या गलती है? अरे उसकी क्या गलती, वो तो अभी पाँव पे चलना है। आप खुद देखिए, वो अभी उसके पास खुद रोजगार नहीं, वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा? वो तो खुद अभी मतलब 18 साल का होगा तो उसके माँ बाप ऐसे ही शादी दहेज मिल रहा होगा, मतलब दहेज की लालच में इसकी जिंदगी पर बात करती है। कुछ भी हो सकता है उसके लिए, कोई गए वो तो पता नहीं, हमको लग रहा है कि 50 मिला होगा दहेज में, गाड़ी मिला होगा, लौंडेबाजी करेगा, एक गाड़ी मिला है 50,000 रुपया और एक गाड़ी मिला होगा, लेकिन यहाँ तक की तो 20,000 में भी सारे स्प्लेंडर उठा लिया है। हाँ जी, गाड़ी के लिए, गाड़ी के लिए सोच रहा, मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो भी हमारा नहीं हुआ। नहीं भाई, आप धरती पे बोझ हैं, देख लीजिए। माई बाबू जी से कहिए ब्याह कीजिए। माई किशोर, हमको भी यहीं पे करना पड़ेगा। वो सब छोड़िए, ये बताइए कि फिर वो पालन पोषण अपनी बीवी को खिलाता पिलाता क्या है? वो जमीन वमीन को ऐसे बेच बेच के, जुआ खेल के, यही तो है बिहार में ज़्यादातर लड़के जुआ पे ध्यान देते हैं, लौंडियाबाजी पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई लिखाई पे नहीं, और ना ही मतलब ये नहीं सोचते कि ये चलो सरकारी जॉब ले लें या कोई प्रोफेशन कर लें, कुछ भी नहीं। तो फिर जब इसकी सिचुएशन ऐसी है तो इसके बाल बच्चे भी फिर इसी राह पे चलेंगे, वो भी इधर उधर भटकेंगे, उनके पास भी कोई रोजगार वगैरह नहीं होगा। एकदम ऐसा हो सकता है, हो सकता है क्या? होगा ही, जब ये कमाता धमाता है नहीं और उसके बाद मान लो कि आप इसका इनकम कुछ है नहीं और दिन भर फ्री फायर खेलता है तो क्या अपने बच्चे का पालन पोषण क्या करेगा ये खुद? ऐसा है ना कि बिहार के लोग इस सब पे ज़्यादा ध्यान नहीं करते। क्या करना है, खाली बच्चे पैदा करना है और उसके बाद बस मतलब 2 दिन काम करो, 3 दिन लेबर मजदूरी में काम करेंगे, उसके बाद जब तक वो पैसा खत्म ना हो तब तक पियेंगे खाएंगे, उसके बाद फिर लगेंगे तो वो सही है।
सुबह कमाए शाम को आके दोपहर को मार के सो गए, देखे नहीं आप यहाँ पे सोया था। अरे हाँ हाँ, तो दोस्तों आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास शिक्षा की बहुत कमी है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का कारण आप लोग समझ ही गए होंगे। जो मैंने इनसे बात किया, ये लोग जो समझाएं कि दरअसल यहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा मानसिकता नहीं है, बहुत कम उम्र में शादी वादी हो जा रही, बच्चे हो जा रहे, जिससे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, अधिक से अधिक बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी से लोग इधर उधर भटकेंगे। और यहाँ के ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बस इधर उधर किसी अदर स्टेट में ही जाके वो लोग जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यही है ना जी? एकदम यही है। आपके ही पापा कहीं और जॉब करते हैं? जी करते हैं, अदर स्टेट में जाके करते हैं। मेरे पापा क्या, घर के सारे जितने भी बड़े हैं, मेरे पापा के जो चाचा हैं, बड़े पापा हैं, उनके भाई, चचेरे भाई, जो भी है, मतलब सब लोग बाहर ही काम करते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है ना जी यहाँ की? बहुत, एकदम बहुत। तो गाइस आप देख रहे हैं कि यहाँ की आर्थिक स्थिति कितनी नाजुक मोड़ पे जा चुकी है। यहाँ पे लोगों का देखभाल करने के लिए, देख रेख करने के लिए कुछ भी नहीं। तो गाइस देखा आपने, ये था बिहार का जो बेरोजगारी का जो मेन रीजन था, यही था जो कि आपने इस वीडियो में देखा। और इस माध्यम से मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग ये गलतियाँ नहीं करेंगे जो कि बिहार के लोग ज़्यादातर देख रहा हूँ करते आ रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे बकचोदियों से बिल्कुल भी दूर रहिएगा। थैंक यू।